नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ए टू जेड एग्जाम्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम BA सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 के जनरल स्टडीज़ के पेपर को सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर था 2022 के एग्ज़ाम के लिए, जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनके लिए यह पेपर था, तो इसके बारे में दोस्तों कम्प्लीटली आपको बताएंगे क्वेश्चंस के बारे में और उनके आंसर्स बताएंगे किस प्रकार से क्या क्वेश्चन का आंसर रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो यह पेपर था वह 100 मार्क्स का था और जो दोस्तों 100 मार्क्स में से आपको 50% जो 100 क्वेश्चंस थे तो 50% क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। किस प्रकार से क्या है कंप्लीट डिटेल आपको आगे बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल ए टू जेड एग्जाम्स पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देवे और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसका जो समय था वह था 1.5 घंटे का समय दिया गया था और 100 अंक का जो पूर्णांक था मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पर देखिए आगे इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके लिए दिए गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं, उनमें से आपको केवल 50 प्रश्न पत्र में हल करने हैं। जो ओमर शीट है उसमें आपको 50% जो प्रश्न है वह करने हैं हल, और प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक रहेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। बाकी सारे नियम आप सभी जानते ही हैं, ओमर शीट से रिलेटेड नियम हैं। यहाँ पर हम शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल ए टू जेड एग्जाम्स पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देवे और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज के इस वीडियो को। यहाँ पर शिव किला प्रसिद्ध पर्वत दर्रा है वह कहाँ पर स्थित है। शिव किला इज अ फेमस माउंटेन पास इन। तो यहाँ पर जो शिव किला है वह कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या उत्तराखंड। 4 ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। तो इसका सिंपल सा जो करेक्ट आंसर है क्या होएगा, तो शिव किला पर्वतीय दर्रा जो है वह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में यह हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। हिमालय का यह प्रमुख दर्रा है शिव किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा, और दोस्तों जिसे शिल्पी जो है दर्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शिव की दर्रा जो है, इसे शिव की दर्रा भी कहा जाता है। और यहाँ प्रसिद्ध पर्वतीय है जो दर्रा है उसको शिव किला नाम दिया गया है। इसकी जो दोस्तों ऊंचाई है, यानी कि जो इसकी हाइट है वह कितनी है, इसकी हाइट है दोस्तों 3930 मीटर। इसकी हाइट है कितनी है, 3930 मीटर इसकी हाइट है। और दोस्तों यह कहाँ कहाँ तक, किन किन देशों में फैला हुआ है, तो यह तिब्बत और चाइना दोनों में फैला है और साथ ही साथ भारत में भी है। यानी कि तिब्बत हो गया एक, तो उसके बाद हो गया एक चाइना और एक हो गया दोस्तों इंडिया। इस प्रकार से यहाँ पर 3 देशों में यह है शिव किला पर्वतीय दर्रा। आगे दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ है धूपगढ़ पीक इज लोकेटेड ऑन, यानी कि धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, सतपुड़ा रेंज, मकल रेंज, उस मेकल रेंज, उसके बाद है विंध्य रेंज और उक्त में से कोई नहीं, यानी कि सतपुड़ा, मेकल और विंध्य और नॉन ऑफ द एबो। यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। तो धूपगढ़ चोटी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतपुड़ा रेंज। इसका सही जवाब है सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी है दोस्तों वहाँ स्थित है। अब यहाँ पर कहाँ पर है, स्थान क्या है दोस्तों, इसका स्थान है पंचमटी, होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, पंचमटी इसका जो स्थान है उसका नाम है, जो धूपगढ़ चोटी स्थित है उस स्थान का नाम पंचमठी। और वहाँ किस जिले में स्थित है, तो वह है होशंगाबाद जिले में स्थित है दोस्तों। और होशंगाबाद जिला है वह किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। अब दोस्तों जो धूपगढ़ चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो उसकी जो हाइट है दोस्तों वह है 1352 मीटर। कितनी है, 1352 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, 1352 मीटर इसकी हाइट है। और यहाँ जो इसको फीट में मापेंगे तो इसको फीट में कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4436 फीट हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 4436 फीट, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों अगर आप इंग्लिश जनरल इंग्लिश के पेपर्स का भी वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख पाएंगे। एक्शन रिसर्च का अगर पेपर का देखना चाहते हैं दोस्तों, वहाँ भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अन्य क्लासेस के लिए भी आप जो रिलेटिव का प्ले लिस्ट है वहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पेपर सोल्व का प्ले लिस्ट है वहाँ पर भी आपको यह मिल जाएंगे पेपर्स। और दोस्तों इनका PDF चाहते हैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके आप आसानी से देख पाएंगे।
नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक विरलता कहाँ पाई जाती है? वेयर इज मोस्ट रेरिटी फाउंड इन इंडिया? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से जो उठता है मानसून, वहाँ से सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए भारत में सर्वाधिक विरलता पाई जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच अरब स्कॉलर वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द इंडियन मानसून, है ना। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? अरब विद्वान यहाँ पर पूछा है दोस्तों, तो कौन है? यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अल बरूनी, अल मसूदी, अल अहमदी और इब्न खुदब्रदादी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो बी ऑप्शन है यानी कि अल मसूदी इसका सही जवाब है, जो भारतीय मानसून का वर्णन करने वाले अरब विद्वान थे जिनका नाम है अल मसूदी। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 896 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 896 ईस्वी में। और दोस्तों यहाँ कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था बगदाद में, ठीक है। आपने बगदाद का नाम सुना होगा, बगदाद में इनका जन्म हुआ था। अब बगदाद कहाँ पर है दोस्तों? बगदाद है इराक में, ठीक है। बगदाद कहाँ पर है? बगदाद है इराक में। और यहाँ एक भूगोलवेत्ता थे जो है, उनका नाम है अल मसूदी, ठीक है। अल मसूदी इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। अब फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, नील, गंगा, वांगो या फिर ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। अब ब्रह्मपुत्र कितनी लंबी है? तो दोस्तों 2900 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 2900 किलोमीटर जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी है। और गंगा नदी की दोस्तों क्या लंबाई है? तो गंगा नदी की लंबाई ये है 2525 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है। इसलिए इस प्रकार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर सिक्स है दोस्तों, निम्न में से किसे पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंसिडेंट रिवर? यहाँ पर ऑप्शन से इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्न में से पूर्ववर्ती नदी किसे कहा जाता है? तो पूर्ववर्ती नदी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर है दोस्तों वह किस प्रकार का जो प्रदूषण है उससे रिलेटेड है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन है वायु, मृदा, ध्वनि या जल, एयर, सॉइल, नॉइज़ या वाटर। तो दोस्तों जो ग्रीन मफलर है वह जो पॉल्यूशन है दोस्तों वह ध्वनि यानी कि नॉइज़ से रिलेटेड है। किससे दोस्तों? नॉइज़ से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए, प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे हरे पौधों को लगाया जाता है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रीन मफलर कहते हैं। यही ग्रीन मफलर क्या है? प्रदूषण को कम करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें सड़कों के किनारे पर हरे पौधों को लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्वनि। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर तवा सिंचाई प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तवा सिंचाई प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? होशंगाबाद जिले में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में यह स्थित है। और यहाँ तवा नदी पर बांध बना हुआ है। कितना ऊँचा है? इसकी ऊँचाई है दोस्तों 58 मीटर, ठीक है, 58 मीटर इसकी ऊँचाई है। और जो लंबा कितना है यह बांध? तो यह लंबा है दोस्तों 1815 मीटर। कितना है दोस्तों? 1815 मीटर यह लंबा है। और तवा नदी पर स्थित है, तवा सिंचाई प्रोजेक्ट स्थित है। और यहाँ पर इसमें जो बांध है वह 1815 मीटर लंबा है। और जो इस बांध की ऊँचाई है वह है 58 मीटर, ठीक है दोस्तों, 58 मीटर यह ऊँचाई है। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नाइन्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, भीलवाड़ा व आसपास के क्षेत्रों में कौन सा खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि भीलवाड़ा एंड एडजोइनिंग एरियाज आर फेमस फॉर माइनिंग ऑफ विच मिनरल? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन से आपके सामने सैंडस्टोन, अभ्रक, कोयला या सॉफ्ट स्टोन। तो इसका दोस्तों अभ्रक यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच एरिया ऑफ राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड? राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है?
काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को आना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन से रावत भाटा, पोखरण, सूरतगढ़ या पिलानी। तो दोस्तों यहाँ पर रावत भाटा इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो रावत भाटा इसका सही जवाब है। अब यहाँ पर कब खोला गया, ठीक है, जो यह परमाणु संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र रावत भाटा में कब खोला गया था? तो 1963 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1963 में यह जो है रावत भाटा में खोला गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो रिएक्टर का प्रकार है वह कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर जो परमाणु संयंत्र है उसका जो प्रकार है यानी कि किस टाइप का है वह, तो वह है दबावित भारी जल का। भारी जल से यहाँ पर ऊर्जा जो है वह उत्पन्न होती है, तो भारी जल से यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है रावत भाटा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजा मंडल के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर देख कौन थे, तो हु इस्टाब्लिश्ड डूंगरपुर प्रजा मंडल। ऑप्शन से माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, विजय सिंह पथिक, रमेश व्यास। तो दोस्तों सिंपल सा आंसर है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या इसका सही जवाब है, जिन्होंने 1944 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी दोस्तों? 1944 में प्रजामंडल की स्थापना की थी, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की थी। और जो दोस्तों भोगीलाल पांड्या है उनको वागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है। किसे? भोगीलाल जी पांड्या को वागड़ के गांधी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा वागड़ के गांधी, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट पीएसएन मूवमेंट इन राजस्थान? बेंगू आंदोलन, बेगू आंदोलन, निमराण आंदोलन, भील आंदोलन या फिर बिजोलिया आंदोलन। तो दोस्तों यहाँ पर बिजोलिया आंदोलन इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था वह बिजोलिया आंदोलन था। कब शुरू हुआ था? तो अप्रैल में दोस्तों, अप्रैल 1919 में शुरू हुआ था। अप्रैल 1919 में यह शुरू हुआ था राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन। और दोस्तों इसकी अध्यक्षता में कौन थे? न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में यह किसान आंदोलन शुरू हुआ था। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन था, 1919 में शुरू हुआ था, अप्रैल 1919 में, और इसकी अध्यक्षता की थी न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य ने की थी। नेक्स्ट दोस्तों 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर कांग्रेस की जो इंडिया में स्थापना हुई थी तब गवर्नमेंट जो जनरल था वह गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए लॉर्ड बेटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटेवन और लॉर्ड डफरिन इसके ऑप्शन है। तो यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस की स्थापना के समय, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था दोस्तों वह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो जो 13वां प्रश्न है उसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और लॉर्ड डफरिन जो कि गवर्नर जनरल रहे थे, कब से कब तक रहे थे? 1884 से लेकर 1888 तक। कब तक रहे थे? 1884 से लेकर 1888 तक गवर्नर जनरल रहे थे कांग्रेस की स्थापना के समय। और दोस्तों जो लॉर्ड डफरिन है उनका जन्म हुआ था 21 जून को हुआ था, 21 जून 1826 में हुआ था। कब हुआ था? 21 जून 1826 में इटली में हुआ था इनका जन्म। और दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी 12 फरवरी 1902 को, और कहाँ पर हुई थी? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में इनकी मृत्यु हुई थी लॉर्ड डफरिन की। और 1884 में से लगाकर 1888 तक कांग्रेस की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, गरम दल के नेता कौन थे? गरम दल के नेता कौन थे? ऑप्शन से आपके सामने फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो गरम दल के दोस्तों जो नेता थे वह थे लोकमान्य तिलक, इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में आपको केवल लोकमान्य तिलक का ही ऑप्शन दिया गया है, तो वह तो लोकमान्य तिलक राइट होगा, लेकिन उनके साथ में दो और भी व्यक्ति थे जिन्हें आप जानते हैं, जिसमें एक तो लोकमान्य तिलक थे, एक थे लाला लाजपत राय जिनको राय के नाम से जानते हैं, और तीसरे थे बीपी चर पाल जिनको पाल के नाम से, यानी कि जो गरम दल के नेता थे वह थे लाल बाल पाल, यानी कि लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद पाल। इस प्रकार से यहाँ पर तीनों यहाँ जो थे गरम दल के नेता थे। और जो गरम दल की स्थापना हुई थी दोस्तों वह कब हुई थी? तो गरम दल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी गरम दल की स्थापना।
तो दोस्तों नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है कि प्रजामंडल वाज सेट अप इन विच कांग्रेस सेशन, यानी कि प्रजामंडल की स्थापना संबंधी कांग्रेस का अधिवेशन था। तो यहाँ पर दोस्तों ईयर्स आपके सामने हैं 1940, 1938, 1937 एंड 1939, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो दोस्तों इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो 1940 का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा 1940 वाला ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, देखिए इसमें कंप्लीट डिटेल है कि जो 22 फरवरी 1941 में यहाँ पर दोस्तों जो 1940 लिखा है वहाँ पर लगभग 1942 हो सकता है, क्योंकि देखिए 25 से 26 नवंबर 1941 को श्री मणिलाल, जो मणिकेलाल वर्मा है, उनकी अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ था, और जिसकी जो दोस्तों अध्यक्षता थी दोस्तों, क्या है अध्यक्षता, वह किसके द्वारा की गई थी, अध्यक्षता की गई थी दोस्तों जेपी कृपलानी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, जेपी कृपलानी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर तो जो प्रजामंडल की स्थापना संबंधी कांग्रेस का अधिवेशन था वहाँ 1940, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, विच मुस्लिम रूलर इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग हिज टाइम, हिंदी अनुवाद की किस मुसलमान शासक ने कठोर बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, शेरशाह सूरी और अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखिए अलाउद्दीन खिलजी जिसने जो 14वीं शताब्दी है की शुरुआत में ही दिल्ली सल्तनत पर उसका शासनकाल रहा था, और जो उसका शासनकाल रहा था वह रहा था 1296 से यानी कि 1296 टू 1316 यानी कि 1316 तक यहाँ पर उसका शासनकाल रहा था। किसका रहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी का रहा था शासनकाल। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि किस मुगल शासक ने कठोर बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अकबर्स रेन द लैंड दैट वाज कल्टीवेटेड एवरी ईयर वाज कॉल्ड, यानी कि अकबर के शासनकाल में वह भूमि जिस पर प्रतिवर्ष खेती होती कहलाती थी, यानी कि यह किस प्रकार की खेती कहलाती। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका जो आंसर है आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, मैं बहुत जल्द इसका रिप्लाई दे दूँगा आपको कमेंट में ही एग्ज़ाम से पहले जो है। तो आपको इसका आंसर जो है, चार ऑप्शन है, बहुत सिंपल सा आंसर है, तो आपको इन चारों में से इसका जो आंसर है वह हमें कमेंट में बताना है, इसका जो भी सही आंसर होगा 17 क्वेश्चन का 17 फिर डॉट आप इसका आंसर लिख देंगे, या 17 आंसर ऐसे करके आप उसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 18 क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था, ठीक है, मुहतसिब क्या था, इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मुहतसिब वॉज, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, सैन्य अधिकारी, बी धार्मिक अधिकारी, सी जन समाज के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाने वाला, या डी पत्राचार विभाग का प्रमुख। तो ए है मिलिट्री ऑफिसर एंड इलेक्शनलियर ऑफिसर एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पब्लिक मॉरल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो सैन्य अधिकारी हैं यानी कि 18वें का ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सैन्य अधिकारी जो कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब हुआ करता था, तो 18वें का ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है कि 25 मार्च सन 1948 को संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ था, यानी कि द स्टेट विच इंटीग्रेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान ऑन मार्च 25, 1948 वॉज, जयपुर, उदयपुर, अलवर एंड प्रतापगढ़। फोर ऑप्शंस आर गिवन, इनमें से दोस्तों कौन सा जवाब है वह जो सही हो जाएगा, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर, इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो प्रतापगढ़ ऑप्शन है वह भी इसमें सही जवाब दिखाई देता है, क्योंकि देखिए 25 मार्च 1948 की बात की जा रही है और संयुक्त राज्य राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था, तो देखिए इसमें क्या था, राज्य का विलय हुआ था जिसमें एक तो था बांसवाड़ा, ठीक है, जो कि दक्षिणी जिला है हमारे राज्य का, एक तो हो गया बांसवाड़ा, दूसरा हो गया बूंदी, ठीक है, दूसरा हो गया, एक हो गया बांसवाड़ा, एक हो गया बूंदी, और उसके बाद तीसरा है डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर के बाद है, एक है दोस्तों झालावाड़ हो गया, और उसके बाद एक है प्रतापगढ़, एक है कोटा, एक है टोंक, एक है दोस्तों शालपुरा, और एक है दोस्तों
किशनगढ़, इस प्रकार से कुछ जो है यहाँ पर जो शहर है वह भी है। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार से देखिए इसमें क्या है, एक तो जयपुर का भी नाम आता है और एक प्रतापगढ़ का भी आता है, इस प्रकार उदयपुर का भी आता है और एक प्रतापगढ़ का भी आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ था, तो इसमें उदयपुर सही जवाब हो जाएगा इसका, प्रतापगढ़ भी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय कितने चरणों में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्टेजेस बाय विच सिरोही स्टेट वाज इंटीग्रेटेड इन राजस्थान वर, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने 2, 3, 4, 1, इस प्रकार से चार ऑप्शन हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 2। क्योंकि देखिए जो आबू दिलवाड़ा को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के साथ एकीकृत किया गया था, ठीक है। तो सिरोही रियासत का राजस्थान में विलय कितने चरणों में हुआ था, 2 चरणों में हुआ था, एक तो है आबू और एक दिलवाड़ा को नवंबर 1956 को राजस्थान के साथ एकीकृत किया गया था, जिसके बाद सिरोही का निर्माण हुआ था। आगे हैं दोस्तों नेक्स्ट 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि व्हेन वाज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू की गई थी। तो यहाँ पर आपके सामने ईयर्स दिए गए हैं, एक है 17 नवंबर 2016 है, 22 नवंबर 2016 है, 17 दिसंबर 2016 है और डी ऑप्शन है दोस्तों 22 दिसंबर 2016 है। इस प्रकार से यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसमें से दोस्तों सही जवाब कौन सा होगा। तो व्हेन वॉज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि 17 दिसंबर 2016 को इसका सही जवाब है। और किसके द्वारा यह लागू की थी, तो जो योजना है स्कीम है यहाँ दोस्तों किसके द्वारा लागू की गई थी, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों आगे 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च की गई, कब शुरू की गई थी। व्हेन वॉज द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन है आपके सामने 2015, 2016, 2017 एंड 2018। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है ईयर 2016, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ईयर बताया है, तो ईयर में 2016 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब डेट पूछ लिए तो क्या होगा दोस्तों, इसकी डेट क्या हो जाएगी जो सही जवाब है इसमें, तो एक हो गया 1 मई जो है दोस्तों इसकी सही जवाब है, 1 मई 2016 को बालिया उत्तर प्रदेश। दोस्तों आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, जो कि यह सुर्खियों में जरूर रहा था 2016 से, कि बालिया जो है उत्तर प्रदेश में एक शहर है, जगह है, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था, ठीक है, जिसमें यहाँ पर 8 करोड़ LPG सिलेंडर दोस्तों हर एक घर में 8 करोड़ LPG यानी कि 8 करोड़ LPG पूरे भारत में बांटने थे और प्रत्येक घर तक पहुँचाने का लक्ष्य था एक सिलेंडर। और यह जो टारगेट है दोस्तों मार्च 2020 तक पूरा करना था, जो कि पूरा हो चुका है। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी, बालिया उत्तर प्रदेश से की गई थी और 1 मई 2016 को की गई थी। डेट भी याद रखनी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर यह जो क्वेश्चन है वह RPSC के एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा 1 मई 2016 को बालिया उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी, जिसका टारगेट यानी कि लक्ष्य था 8 करोड़ से ज़्यादा जो है LPG सिलेंडर है दोस्तों वहाँ घर में पहुँचाने का, और जो यह लक्ष्य मार्च 2020 तक पूरा करना था, जो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वॉज अर्लियर नोन एज, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को पहले किस रूप में जाना जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिसमें ए है राष्ट्रीय ग्रामीण अधिनियम, बी है राष्ट्रीय शहरी अधिनियम, सी है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों 23वें प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वह सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री कर्मयोगी समान धन योजना कब से शुरू की गई, यानी कि प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना व्हेन वॉज द प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना लॉन्च्ड, ऑप्शन से आपके सामने 2019 फरवरी, मार्च 2019, जुलाई 2019 या फिर दिसंबर 2018 है। तो दोस्तों यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, और सी ऑप्शन जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा
तो देखिए यहाँ पर जुलाई 2019 जो ऑप्शंस में दिया गया था, लेकिन अगर डेट की बात की जाए तो डेट है 23 जुलाई 2019 को यहाँ पर यह जो है प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, 23 जुलाई 2019 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है दोस्तों कि व्हेन वाज द स्वच्छ भारत ब्यूटीफुल इंडिया मिशन स्टार्टेड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 है इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। और कहाँ से की गई थी दोस्तों, राजपथ न्यू दिल्ली। कहाँ पर? राजपथ नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी जब वह नए प्रधानमंत्री बने थे, और उसके कुछ एक दो महीने बाद ही उन्होंने एक्शन लिया था, और 3-4 महीने बाद ही एक्शन लिया था, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को राजपथ न्यू दिल्ली पे लिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों 26वां प्रश्न है कि व्हेन डिड द सांसद आदर्श ग्राम योजना स्टार्टेड, यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब से की गई थी, कब हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है, 11 अक्टूबर 2014 इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों में विकास के रिलेटेड यह जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी 11 अक्टूबर 2014 को। ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए शुभारम्भ जो कि दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और जय प्रकाश नारायण जी के जो जन्मतिथि थी उस दिन किया गया था। तो 11 अक्टूबर 2014 को, 11 अक्टूबर को क्या होता है, जय प्रकाश नारायण की जन्मतिथि है, और इस अवसर पर यहाँ पर 11 अक्टूबर 2014 को आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो बेंगलुरु इसका सही जवाब हो जाएगा, इसरो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 28वां, अग्निपी का सफल परीक्षण कब किया गया था। तो अग्निपी जो है दोस्तों, व्हेन वाज अग्निपी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। तो 28वें प्रश्न का दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, 18 दिसंबर 2021 इसका सही जवाब है, जिस दिन अग्निपी का सफल परीक्षण किया गया था, 18 दिसंबर 2021। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शंस आपके सामने, राजेश शर्मा, राकेश शर्मा, कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स। तो पहला आदमी व्यक्ति पूछा है दोस्तों, तो व्यक्ति कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, सही जवाब है राकेश शर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। कई सारे विद्यार्थी जल्दबाजी में राजेश शर्मा भी राइट कर सकते हैं, लेकिन राकेश शर्मा इसका सही जवाब है। और दोस्तों राकेश शर्मा के बारे में हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटियाला में हुआ था दोस्तों। इन्हें अशोक चक्र के द्वारा सम्मानित किया गया है, और राकेश शर्मा का जन्म पटियाला में हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों 30वां प्रश्न है, भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया गया था। तो भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किस एंटी सैटेलाइट मिशन का जो मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया था। इसका नाम है दोस्तों मिशन शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मिशन शक्ति का नाम है, जो कि दोस्तों APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड इन ओडिशा में यहाँ पर इसका परीक्षण किया गया था, जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज द RBI एस्टैब्लिश्ड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो दोस्तों स्थापना है वह कब हुई थी, ऑप्शंस आपके सामने हैं 1935, 1930, 1948 और 1969। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, RBI की स्थापना हुई थी 1935 में। अब डेट बता दी दोस्तों आपको, डेट क्या हो जाएगी, 1 अप्रैल इसका सही जवाब है, 1 अप्रैल 1935 को कहाँ पर की गई थी दोस्तों, कोलकाता में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। जब ये वीडियो बन रही है तब तक शक्तिकांत दास यहाँ पर जो कि इसके गवर्नर है। और दोस्तों वह कौन से गवर्नर हैं, तो 25वें गवर्नर है। कौन से हैं दोस्तों? 25th गवर्नर हैं RBI के। कौन है? शक्तिकांत दास। शाख नियंत्रण कौन करता है, शाख नियंत्रण कौन करता है, ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों शाख नियंत्रण के लिए, केंद्रीय बैंक, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक या स्टेट बैंक। तो केंद्रीय बैंक इसका सही जवाब हो जाएगा, शाख नियंत्रण कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है। केंद्रीय बैंक का
क्या कार्य है, नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक, शाख नियंत्रण या उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में रुपये का अवमूल्यन सर्वप्रथम कब किया गया था, तो इसके ऑप्शन है 1935, 1949, 1960 और 1980। तो भारत में रुपये का अवमूल्यन यानी कि फर्स्ट डिवल्यूशन ऑफ रूपी डन इन इंडिया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1949 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 35th क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन वह अवस्था है जिसमें मूल्य स्तर में क्या होती है, कमी आती है, वृद्धि होती है, संतुलन रहता है या स्थिर रहता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कमी आती है इसका सही जवाब हो गया, यानी कि डिक्रीज होगा जो प्राइस लेवल है वह, इन द कंडीशन ऑफ डिफ्लेशन प्राइस लेवल डिक्रीजेस। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं 36th क्वेश्चन की तरफ, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय मूल्यह्रास को किस से घटाया जाता है, NDP, NI, DI या GNP। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, GNP इसका सही जवाब है, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 37th क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है, विच वन इज द फॉर्मूला फॉर पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही जवाब है, सी ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या यानी कि नेशनल इनकम बटा बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, नेशनल इनकम बाय पॉपुलर टोटल पॉपुलेशन इसका सही जवाब हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, चाय, सीमेंट, इस्पात या पटसन। तो इस्पात इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्पादन का साधन है, उत्पादन का साधन क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्पादन का साधन क्या है, विनिमय, वितरण, पूंजी या आगम। तो दोस्तों पूंजी इसका सही जवाब है, उत्पादन का साधन यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। कॉफ़ी की मांग में वृद्धि निम्न का परिणाम है, क्या है दोस्तों, निम्न का परिणाम यानी कि इंक्रीजेज इन द डिमांड ऑफ कॉफ़ी विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कि देखिए अब कॉफ़ी की मांग अत्यधिक होगी, वृद्धि होगी, तो इसमें क्या परिणाम होंगे, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से। तो दोस्तों देखिए जो डी ऑप्शन है यानी कि कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि होगी यानी कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी, इसके जो दाम है वह बढ़ जाएंगे, उसके प्राइस है वह एक इंक्रीज हो जाएगा इस प्रकार से। 41th क्वेश्चन दोस्तों कि शिक्षा आपके द्वार योजना की शुरुआत कब हुई थी, व्हेन डिड शिक्षा आपके द्वार योजना स्टार्टेड। तो दोस्तों देखिए इस वर्ष के पेपर में भी आपको योजनाओं के बारे में प्रश्न आ सकेंगे, तो आप जितना हो सके गूगल करके या कहीं से भी आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा, जो भी भारत सरकार की योजनाएँ हैं उनकी तारीखें कब शुरू की गई थी, साथ ही साथ राजस्थान सरकार की जो योजनाएँ हैं उनसे रिलेटेड। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस ना करें, इन्हें कंटेस्ट कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। तो शिक्षा आपके द्वार योजना की शुरुआत कब की गई थी, 41 क्वेश्चन है, तो 19 नवंबर 2001 को की गई थी। कब की गई थी, 19 नवंबर 2001 को की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों 42 क्वेश्चन जो है, वेयर डू फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ गुरुमित्र योजना कम्स फ्रॉम, यानी कि गुरुमित्र योजना के लिए आर्थिक सहायता कहाँ से मिलती है, तो जापान, यूनिसेफ, विश्व बैंक या यूनेस्को। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो यूनिसेफ इसका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए यूनिसेफ जो बी ऑप्शन है इसका सही जवाब है, जिसमें यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड जो होता है दोस्तों इसे कहते हैं, जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। कब की गई थी, 11 दिसंबर 1946 को की गई थी, ठीक है, 1946 को की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, तो इसका प्लेस क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूयॉर्क इसका सही जवाब है, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी जो है गुरु मित्र योजना के लिए आर्थिक सहायता जो कि यूनिसेफ के द्वारा दी जाती है, स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट दोस्तों जो 43 क्वेश्चन है उसकी तरफ, तो अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है, तो जो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है यानी कि स्कूल में मिड डे मील के बारे में, दोस्तों देखिए जो मिड डे मील है उससे जुड़ा हुआ है इस कार्य से अक्षय पात्र योजना, जो कि 12 राज्यों में संचालित है यह जो योजना है दोस्तों, और जिसमें 15,000 से ज़्यादा जो है स्कूल इसका लाभ ले रहे हैं, उससे भी अधिक है दोस्तों अक्षय पात्र फाउंडेशन यानी कि स्कूल में मिड डे मील इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट है दोस्तों 44th क्वेश्चन है, 15 पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का जो संचालन दोस्तों जीवन बीमा निगम है यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC के द्वारा किया जा रहा है संचालन पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का। शिक्षा के क्षेत्र में गुरु मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ। तो 45th क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में गुरु यानी कि व्हेन वाज़ दी गुरु मित्र स्कीम स्टार्टेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 सितंबर 1994, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच फील्ड गार्गी अवार्ड इज गिवन। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों किनको दिया जाता है, 75% से अधिक जो बालिकाएं हैं वह अगर अंक अर्जित करती है क्लास 10वीं में तो उन्हें 5,000 रुपये की राशि यानी कि गार्गी पुरस्कार के रूप में दी जाती है। और दोस्तों यह जो राशि है वह बालिकाओं को कब दी जाती है, तो बसंत पंचमी के उत्सव पर यह बालिकाओं को 5,000 रुपये की राशि दी जाती है सरकार द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों 47th क्वेश्चन है, राज्य का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, जो जयपुर है दोस्तों जयपुर में इसका सही जवाब हो जाएगा। जयपुर में इसकी जो है स्थापित किया गया था, और राजस्थान यूनिवर्सिटी या नाम है उसका यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिसकी स्थापना कब की गई थी। तो 8 जनवरी 1947 को की गई थी। कब की गई थी, 8 जनवरी 1947 को की गई थी। जो RU है यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की स्थापना 8 जनवरी 1947 को की गई थी, जिसका पुराना नाम दोस्तों क्या है। तो इसका पुराना नाम हो जाएगा दोस्तों राजपुताना यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा दोस्तों, राजपुताना यूनिवर्सिटी, जिसका जो वर्तमान नाम है वह है राजस्थान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट दोस्तों सेमिस किससे संबंधित है। तो इसका आंसर दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर हमको नहीं मिल पाया है सेमिस किससे संबंधित है, और जो पहले प्रश्न था उसका आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट 49th दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना कब की गई थी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की स्थापना की गई थी 1 अगस्त 1956 को की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1 अगस्त 1956 को की गई थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कई सारे सूत्रों के मुताबिक, और मैंने जब नेट पर देखा तो इसके बारे में जानकारी जुटाई, जहाँ पर 4 दिसंबर 1957 दिया गया है। दोस्तों करेक्ट कौन सा है आप एक बार पुष्टि कर देवे, और जो है 1 अगस्त यहाँ पर 1956 ऑप्शंस में दिया गया है, लेकिन जो है 4 दिसंबर 1957 हो सकता है इसका सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर राजस्थान का पहला कॉलेज कहाँ खोला गया था। तो दोस्तों जयपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। और मोहनगढ़ का दुर्ग किस जिले को किस जिले में स्थित है, मोहनगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों, और इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द फोर्ट ऑफ मोहनगढ़ लोकेटेड। तो जैसलमेर इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसलमेर में मोहनगढ़ का दुर्ग स्थित है। काठ का रैन बसेरा महल कहाँ पर स्थित है, वेयर इज़ द काठ का रैन बसेरा महल लोकेटेड। ऑप्शन है जयपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा झालावाड़ में काठ का रैन बसेरा महल स्थित है, झालावाड़ इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच सिविलाइजेशन इज नॉन एट धुलकोट, यानी कि धुलकोट के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। तो आहड़ सभ्यता दोस्तों जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, आहड़ सभ्यता को धुलकोट के नाम से जाना जाता है। मिट्टी की मूर्तियाँ जिन्हें टेराकोटा कहते हैं कहाँ बनती हैं। तो मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं दोस्तों जिन्हें टेराकोटा कहते हैं, यह है जो दोस्तों 54th क्वेश्चन का, मोलेला जो गांव है दोस्तों राजसमंद में स्थित है मोलेला, वहाँ यह इसका सही जवाब हो जाएगा, मोलेला इसका सही जवाब है। 55वां प्रश्न है, शावक प्रतिक्रमण सूत्र जो है शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शैली का चित्र है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बूंदी शैली या फिर कोटा शैली। तो दोस्तों मेवाड़ शैली इसका सही जवाब है, मेवाड़ स्टाइल इसका सही जवाब हो जाएगा, जहाँ शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इज अ पेंटिंग ऑफ स्टाइल, मेवाड़ स्टाइल। नेक्स्ट है दोस्तों, दशहरा किस तिथि को मनाया जाता है। दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। ऑप्शंस आपके सामने, अश्विन शुक्ल दशमी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, अश्विन शुक्ल अष्टमी या चैत्र शुक्ल एकम। तो 56वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, अश्विन शुक्ल दशमी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे नेक्स्ट 57th क्वेश्चन है कि दादू जी का मेला कौन से स्थान पर लगता है, यानी वेयर इज दादूज फेयर हेल्ड। यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है दोस्तों नारायणा
दूसरा है रेवासा, तीसरा है खेजड़ी और चौथा है डिग्गी। ठीक है, इस प्रकार से चार ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। एक है नारायणा, दूसरा है रेवासा, तीसरा है खेजड़ी और चौथा है डिग्गी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दादू जी का जो मेला है वह नारायणा स्थान पर लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों? नारायणा स्थान पर लगता है। बढ़ते नेक्स्ट 58 क्वेश्चन की तरफ। किस लोक देवता ने सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था? विच फॉक डायटी लॉन्चेड दी जम्मा जागरण कैंपेन फॉर सोशल रिफॉर्म। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है बाबा रामदेव जी, दूसरा है पीपा जी, तीसरा है गोगा जी और चौथा है बाबू जी। इस प्रकार से चार ऑप्शन है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है बाबा रामदेव जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो कि लोक देवता बाबा रामदेव जी ने सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान चलाया था। तो किसने चलाया था? जम्मा जागरण अभियान बाबा रामदेव जी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आरपीएससी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 59th क्वेश्चन की तरफ। 59वां क्वेश्चन है गुडला गीत किस अवसर पर गाया जाता है? जो गुडला गीत है वह किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं गणगौर, विदाई और राती चुका और वर्षा ऋतु। ठीक है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है दोस्तों मारवाड़ जो है, मारवाड़ में यह जो गुडला गीत है वह मारवाड़ में गाया जाता है। और यहाँ पर इसका दोस्तों गणगौर इसका सही जवाब हो सकता है। इसका कन्फर्म नहीं है दोस्तों इसका, लेकिन गणगौर हो सक्था है। तो इस पर थोड़ा आप क्रोम वगैरह पर देख लीजिएगा, वहाँ पर इसका आंसर अगर मिल भी जाए आपको तो। और जिनको आता है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी हेल्प हो जाएगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर, जो 59 क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट में बताएं। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है दोस्तों। 60वां प्रश्न है तीमन्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? तीमन्य आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों गले में पहना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो कि वेयर इज तीमतिया ज्वेलरी फोन। तो थॉट इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनकी पदावधि के दौरान मृत्यु हो गई थी? ऐसे इनमें से जो ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनकी पद पर रहते हुए दौरान मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं वीवी गिरी, आर वेंकट रमन, सी हैं कृष्णकांत और डी हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा कृष्णकांत, इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णकांत, जिन्होंने 27 जुलाई 2002 को शपथ ली थी। कब ली थी? 27 जुलाई 2002 को, और इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों यहाँ पर आगे है जो यदि संप्रभुता पूर्ण नहीं है तो किसी राज्य का अस्तित्व असंभव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यदि संप्रभुता पूर्ण नहीं है तो किसी राज्य का अस्तित्व असंभव है, यह कथन जो है किसने कहा था? हु हैड गिवन दिस स्टेटमेंट एक्सिस्टेंस ऑफ एन स्टॉल इज इम्पॉसिबल इफ सोवेरिनिटी इज इनकम्प्लीट। दोस्तों इसका सही जवाब है आस्टिन, इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाषण की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो भाषण की स्वतंत्रता दोस्तों प्रजातंत्र व अधिनायकवादी दोनों शासकों की विशेषता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें बोथ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, यहाँ पर इसका डिक्टेटरशिप इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वह है 64th क्वेश्चन कि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो यहाँ पर दोस्तों किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन है, राज्यपाल की स्व वित्तीय शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो राज्यपाल की स्व वित्तीय जो है शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, तो उनका जो है दोस्तों उल्लेख या बोले तो वर्णन है वह अनुच्छेद 163(1) में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 163(1) में किया गया है राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 163(1) में। नेक्स्ट है, राज्य की मुख्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राज्यपाल, इसका सही जवाब है द कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ ऑफ द प्राइम एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट इज गवर्नर, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, राज्य विधानसभा मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार के प्रस्ताव से जो है वह राज्य विधानसभा मंत्रिपरिषद को हटा सकती है? तो अविश्वास प्रस्ताव, इसका सही जवाब हो जाएगा
जिससे वह जो है मंत्रिपरिषद को राज्य विधानसभा हटा सकती है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों यहाँ पर जो भाग तीन है उसमें वर्णित है, भाग तीन में मौलिक अधिकार संविधान के भाग तीन में है। और दोस्तों अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद कौन कौन से है? 12 से 35। नेक्स्ट है दोस्तों 69वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, यहां से क्वेश्चन आरपीएससी में भी पूछे जा सकते हैं, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन है इसलिए। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है यानी कि 61 इसका सही जवाब है। देखिए अब जो है 124, 5, 217 और 218 में भी इसके विरुद्ध महाभियोग संविधान के छेद में लिया गया है। चलो साथ ही इसमें क्या होता है दोस्तों, जो राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको भी हटाने के लिए दोस्तों इन अनुच्छेद में प्रावधान है। तो जो हमने बताया आपको, एक तो 61वां जो अनुच्छेद है वह, साथ ही साथ 124, 5, 217 और 218 में इसके बारे में अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संविधान के अनुच्छेद में है। इस प्रकार से 61 इसका सही जवाब हो जाएगा। 70वां प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान की बात कही जा रही है जिसमें पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है दोस्तों वहाँ कब स्थापना हुई थी? तो इसकी दोस्तों जो है स्थापना हुई थी वहाँ हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी, जिसमें पीएम नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में के बगदरी गाँव में यहाँ पर दोस्तों इसका जो है स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। किसके द्वारा? तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा। राजस्थान के किस जिले में? तो दोस्तों नागौर जिले में की गई थी। और नागौर जिले के किस गांव में की गई थी? तो बगधरी गांव का नाम है। क्या नाम है दोस्तों? बगधरी गांव का नाम है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो 71वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 71वां प्रश्न है कि पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी, ठीक है। और जो राज्य का पर्यटन निदेशालय है वहाँ कहाँ पर स्थित है? तो वह है दोस्तों जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पर्यटन निदेशालय की राज्य में जो है 1955 में स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों 72वां प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वहाँ दोस्तों जयपुर में स्थित है। और जयपुर में राज्य के में पर्यटन को विकसित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1978 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 1978 में की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों आरटीडीसी के जो है दोस्तों स्थापना 1978 में की गई थी। नेक्स्ट 73वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? तो राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब वर्तमान में कौन सा है? तो पधारो म्यारे देश इसका सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन है दोस्तों वहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो है ना वसुंधरा सरकार जब थी तो वहाँ पर लोगो क्या था? न जाने क्या दिख जाए, ठीक है। वहाँ पर तब कौन सा था? न जाने क्या दिख जाए, वहाँ जो आर्य स्थान वाला था वह। और वर्तमान में जो है दोस्तों राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो है पधारो म्यारे देश इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? तो राजस्थान जो है दोस्तों उसका राज्य का प्रथम जो हेरिटेज होटल है वह है दोस्तों अजीत भवन जोधपुर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अजीत भवन जयपुर जोधपुर इसका सही जवाब है, जो 1927 में बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? 1927 में बनाया गया था अजीत भवन जोधपुर, जो कि राज्य का पहला हेरिटेज होटल है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों 75वें प्रश्न की तरफ, 75वां प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 सितंबर इसका सही जवाब है। 27 सितंबर को यह दिवस जो है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। और दोस्तों किसके द्वारा हुई थी? तो यूएन विश्व पर्यटन के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन का विश्व पर्यटन है उसके द्वारा यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी विश्व पर्यटन दिवस की। 27 सितंबर 1980 से इसकी शुरुआत है और प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों, थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर जिले में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? बाड़मेर जिला इसका सही जवाब हो जाएगा। बाड़मेर जिले में मनाया जाता है थार महोत्सव, और अक्टूबर में दोस्तों मनाया जाता है यह जो थार महोत्सव है, वह अक्टूबर में मनाया जाता है। देश विदेश के लोग है वहाँ पर हिस्सा लेने आते हैं, और दोस्तों जो यह मेला है वह 3 दिनों तक चलता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, बाड़मेर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है दोस्तों, मरु महोत्सव किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, मरु महोत्सव है वहाँ किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, माघ शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा, माघ कृष्ण एकम से अष्टमी, माघ पंचमी से षष्ठी एवं माघ सप्तमी से दशमी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, माघ सप्तमी से दशमी, क्योंकि जो जैसलमेर के पोखरण में इसका मरु जो महोत्सव है उसका आयोजन किया जाता है। और जो दोस्तों इस वर्ष जो आयोजन हुआ था वह 13 से 16 फरवरी के मध्य हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पर माघ सप्तमी से दसवीं इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को कितने सर्किट में बांटा गया है? पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को कितने सर्किट में बांटा गया है? तो 9 सर्किट है, 9 सर्किट है और एक परिपथ है। ठीक है, 9 सर्किट और एक परिपथ में बांटा गया है किसको? पर्यटन की दृष्टि से कितने सर्किट है? तो इसमें 9 सर्किट और एक परिपथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के बिकमपुर पर्यटन स्थल जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो बिकमपुर दोस्तों कहाँ पर है? झालावाड़ में है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रज उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो ब्रज उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? ब्रज उत्सव दोस्तों जयपुर जिले में मनाया जाता है। यह तो राज्य भर में मनाया जाता है, लेकिन जयपुर में जो है यह जो मेला है, उत्सव है, वह शिखर पर रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर भरतपुर भी सही है, जयपुर भी, लेकिन जयपुर यहाँ पर सबसे सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। आप सभी जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी को, जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, जिनका जन्म दोस्तों कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था, 29 अगस्त और 1905 को हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त 1905, इसलिए प्रतिवर्ष 29 अगस्त आप याद रखिए, जब मेजर ध्यानचंद के स्मृति में खेल दिवस मनाया जाता है ना। उसी के बाद दोस्तों इनकी मृत्यु की बात करें हम, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 3 दिसंबर 1979 में हुई थी। कब हुई थी? 3 दिसंबर 1979 में इनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों यह जो है वह प्ले उन्होंने इंडिया के लिए भी खेला था, जो ब्रिटिश इंडिया था तत्कालीन, जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तब इंडिया के लिए खेले थे। और तो ब्रिटिश इंडिया के लिए 1922 से खेले थे दोस्तों, 1922 से 1947 तक, और उसके बाद जब आज़ाद हो गया भारत देश, उसके बाद 1947 से भारत के लिए खेलते रहे। नेक्स्ट दोस्तों इनके बारे में, इनको जो है उन्होंने सर्विस से कहाँ कहाँ पर देखिए, यह मेजर इनके नाम के आगे लगता है। ठीक है, मेजर लगता है, तो मेजर क्या है दोस्तों? एक आर्मी फोर्स की उपाधि है। तो यहाँ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में और इंडियन आर्मी में भी दोस्तों थे, जिनको उनको जो रैंक दी गई थी, रैंक कौन सी थी दोस्तों? मेजर की रैंक दी गई थी उनको। कौन सी रैंक दी गई थी? मेजर की रैंक दी गई थी। ठीक है, और इनको तो दोस्तों अवार्ड मिले थे, अवार्ड तत्कालीन जो है उस समय उनको जो अवार्ड दिए जाते थे, जो अवार्ड तब थे मुख्यतः भारत में, तो उस अवार्ड में दोस्तों एक है, वह है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण इनको दिया गया था। कौन सा दिया गया था? पद्म भूषण इनको दिया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82 क्वेश्चन है कि यार्ड हिट पद किस खेल से संबंधित है? तो यार्ड हिट पद 16 जो कि दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 83 क्वेश्चन है, 83वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी कप है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट 84वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि उधम सिंह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों उधम सिंह किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल इसका सही जवाब हो जाएगा, उधम सिंह जो कि फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो दोस्तों यहां पर बांग्लादेश इसका सही जवाब हो जाएगा, कबड्डी जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। भारत का कौन सा है? हॉकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 86वें प्रश्न की तरफ। किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको बता दिया, मेजर ध्यानचंद को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में उनके जो जन्म दिवस है उसको मनाया जाता है। और दोस्तों ओलंपिक में भारत को उन्होंने पदक जिताए थे,
ठीक है, उन्होंने जो बड़े कार्य किए थे इसी वजह से उनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि देखिए उन्होंने ओलंपिक में 3 बार है स्वर्ण पदक जिताया था भारत को, जिसमें प्रथम बार दोस्तों उन्होंने कब जिताया था, 1928 को जिताया था, ठीक है, प्रथम बार। उसके बाद है दोस्तों दूसरी बार कब जिताया था, दूसरी बार उन्होंने जिताया था 1932 को, और उसके बाद एक और अंतिम बार कब जीता था, 1936 को, यानी कि 4-4 वर्षों के गैप के बाद उन्होंने 28, 32 और 36 में उन्होंने यहाँ पर भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जिताया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट 87वें क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है, तो यहाँ पर आईसीसी पुरस्कार दोस्तों है, जो कि कौन सा पुरस्कार है, आईसीसी पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है दोस्तों। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका सही जवाब है। आईसीसी पुरस्कार जो है वह क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है, तो गुगा नाम से गीत सेठी को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, गीत सेठी को जाना जाता है, जो कि दोस्तों स्नूकर के खिलाड़ी थे, ठीक है, स्नूकर के जो होता है दोस्तों बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी थे, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा गीत सेठी, इसका सही जवाब है गुगा नाम से भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है, तो गीत सेठी। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं, तो दोस्तों टाइगर वुड्स जो कि यूएसए के गोल्फ खिलाड़ी है, ठीक है, किसके हैं गोल्फ खिलाड़ी, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के, यहाँ पर दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था, 30 दिसंबर 1975 को इनका जन्म हुआ था टाइगर वुड्स का। नेक्स्ट है दोस्तों 91वां प्रश्न है, गांधी जी का 5वां पुत्र कहे जाने वाले जमनालाल बजाज किस जिले से संबंधित है, तो जमनालाल बजाज दोस्तों किस जिले से संबंधित है, सीकर जिला यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए वर्तमान में जिले से पूछा है तो सीकर जिला इसका सही जवाब है, लेकिन जयपुर रियासत के सीकर जिले में तत्कालीन जो समय था दोस्तों तब जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था, तो यहाँ पर देखिए जयपुर रियासत के सीकर जिले में इनका जन्म हुआ था, और दोस्तों 4 नवंबर 1889 को उनका जन्म हुआ था, और उनकी मृत्यु कब हुई थी, 11 फरवरी 1942 को हुई थी, ठीक है, और कहाँ पर हुई थी दोस्तों, स्थान का नाम क्या है, तो वर्धा जो कि है स्थान का नाम है जहाँ पर जो है जमनालाल बजाज की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं 92वें प्रश्न की तरफ, केसर सिंह बारहट का जन्म किस जिले में हुआ था, तो केसरी सिंह जो दोस्तों बारहट है उनका जन्म भीलवाड़ा में हुआ था, कहाँ पर हुआ था दोस्तों, भीलवाड़ा जो है जिला वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते 93वें प्रश्न की तरफ दोस्तों, कि राजस्थान का जतिन दास किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है, तो राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों, बाल मुकुंद बिस्सा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है माही बजाज सागर परियोजना किन 2 जिलों के मध्य है, तो राजस्थान मध्य प्रदेश, इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान मध्य प्रदेश, जो कि माही बजाज सागर परियोजना है, और निर्माण दोस्तों कब हुआ था, 1972 में हुआ था, कब हुआ था, 1972 में हुआ था दोस्तों, और यहाँ 100 जो है दोस्तों यहाँ पर 25 मेगावाट की विद्युत इकाइयाँ है दोस्तों, कितनी विद्युत इकाइयाँ हैं, 2 विद्युत इकाइयाँ हैं, कितने वाट की है, 25 मेगावाट की है। नेक्स्ट दोस्तों 95वां प्रश्न है कि माही बजाज सागर परियोजना में सर्वाधिक लाभ राजस्थान के किस जिले को मिल रहा है, तो दोस्तों बांसवाड़ा इसका सही जवाब हो जाएगा, दक्षिणी राजस्थान का जिला है बांसवाड़ा, जो कि वागवर प्रदेश जो है वागड़ प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसमें माही बजाज सागर परियोजना सर्वाधिक लाभ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सोम कमलाम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, तो सोम कमलाम्बा सिंचाई परियोजना दोस्तों डूंगरपुर जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों 97 क्वेश्चन है, जाखम परियोजना का संबंध किस जिले से है, दोस्तों प्रतापगढ़ जिले से है, जाखम परियोजना का संबंध किस जिले से, प्रतापगढ़ जिले से है दोस्तों, यहाँ पर 1962 में प्रारंभ की गई थी, जिसमें चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ मार्ग पर जो है दोस्तों परियोजना स्थित है, और जिसमें अनुपपुरा जो गांव है दोस्तों वहां पर है यहां पर जो है यह परियोजना, और लाभान्वित जिले दोस्तों इसमें प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जो कि इसके लाभान्वित जिले हैं जाखम परियोजना के अंतर्गत, तो 1962 में प्रारंभ की गई थी चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ मार्ग और पर स्थित है दोस्तों यह अनुपपुरा गाँव में, और दोस्तों लाभान्वित जिले कौन से हैं, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा।
नेक्स्ट है दोस्तों, गैरी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? तो जो गवरी लोक नृत्य है, गवरी फोक डांस, जो कि दोस्तों भील जनजाति से रिलेटेड है, किससे संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर जो है इसमें मेवाड़ क्षेत्र में यह तो दोस्तों किया जाता है, और मांदल और थाली के प्रयोग के कारण इसे राय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राय नृत्य। नेक्स्ट है दोस्तों, राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामचरण दास। इसका सही जवाब हो जाएगा रामचरण दास, इसका सही जवाब है, जो कि राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और जो दोस्तों राम स्नेही संप्रदाय है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1650 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1650 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, 16वां प्रश्न है कि कुवलयमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो दोस्तों कुवलयमाला ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की थी? तो उद्योतन सूरी ने की थी। किसने की थी? उद्योतन सूरी ने की थी। झालोर में रहकर की थी, और कब की थी दोस्तों? तो 778 ईस्वी के आसपास की थी। कब की थी? 778 ईस्वी के आसपास इसकी जो है दोस्तों कुवलयमाला ग्रंथ की रचना की थी उद्योतन सूरी ने। तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। जो बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर्स हैं उनकी भी आप वीडियो देखना चाहे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख पाएंगे। और कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देवे, और वीडियो अच्छा लगे जैसे लाइक शेयर जरूर करें। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन इसे दबाए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।